सो हेलो गाइस, यही एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ साइंस सुपर मॉक टेस्ट क्लास। तो ये हमारे साइंस का पांचवा सुपर मॉक टेस्ट क्लास है। अब एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ टॉप लेवल के फिर से क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कम से कम इस क्लास में भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 20 प्लस कर रहे हो, मतलब आसानी से अगर आप 20 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी साइंस की तैयारी सेक्शन वन के लिए बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10x10 साइंस में दिलाने का वादा है। एग्जाम तक जो ये क्लासेस दे रहा हूँ साइंस का पूरा साइंस कर जाइए। सेक्शन वन में मार्क्स मैं दिलाऊंगा आपको, आपके मार्क्स कम नहीं होने दूंगा। 50 प्लस मार्क्स मैं दिलाऊंगा आपको सेक्शन वन के अंदर। तो चलिए आज ये शुरुआत करते हैं। फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपकी कमी यही है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो। क्लास बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, एक लाइक और शेयर कर देंगे आपका काम खत्म है। आगे बढ़ते हैं, अपना क्लास देखते हैं। चलिए जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है महापीडक 3.0। बाबू अगर आप अपने सेक्शन वन के लिए, कोस्ट गार्ड जीडी वालों ध्यान से सुन लो, अगर आपने सेक्शन वन के लिए अभी तक महापीडक 3.0 नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। क्योंकि देखिए सेक्शन वन के पांचों सब्जेक्ट के यहाँ पे टॉप लेवल के बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स इस पीडीएफ में अवेलेबल हैं, और साथ ही में टॉप एग्जाम क्वेश्चंस नए पैटर्न पे आधारित हैं। जो प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। इसका देखिए प्राइस मात्र 200 रुपए है, लेकिन आपको 200 का भी पेमेंट नहीं करना है। मात्र आपको पेमेंट करना है आर एस 100 रुपए का। 100 रुपए मतलब समझ रहे हो, आपके दो दिन का भी जेब खर्च नहीं है। ये आपको कैसे लेना है, 9795111812 पे आपको व्हाट्सएप करना है। पेमेंट मेथड वहां पे आपको बता दिया जाएगा, तुरंत आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जैसे ही आप पेमेंट करते हो। मात्र 100 रुपए में आपको पांचों सब्जेक्ट से के जो है सेपरेट प्रैक्टिस सेट्स और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। क्या चाहिए आपको, और ये एक बुक आपको, सिर्फ ये एक पीडीएफ बुक 50 प्लस मार्क्स आपको दिलाने की जो है पूरी क्षमता रखती है सेक्शन वन के अंदर। तो नहीं लिए हो तो अभी लीजिए महा पीडीएफ 3.0, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फॉर यू है। कल के क्लास में याद करो जो हमारा क्लास नंबर 4 था उसमें क्वेश्चन फॉर यू था, और मैंने कहा था बहुत ही ध्यान से करना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना। देखो कह रहा है द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स। कह रहा है कि वो पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहां पे किसी ऑब्जेक्ट का इंटायर वेट काम करता है, पूरा संपूर्ण भार काम करता है। देखो बार बार मैं कहता हूं बाबू, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेट जो है दो अलग अलग चीजें हैं। मास वो चीज होता है जिस चीज से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो मास कभी भी कहीं भी लेकर के चले जाओ उस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल चेंज नहीं होगा। किसी भी ग्रह पे लेके जाओ, चाहे अर्थ के सेंटर पे लेके जाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबू जिस चीज से वो बना हुआ है वो चीज गायब तो हो नहीं जाएगी, है ना। तो मास जो है इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी से कोई लेन देन नहीं है मास का। ठीक है, हमेशा याद रखना जो वेट होता है वो ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो वो पॉइंट जहां पे पूरा वेट काम करता है किसी ऑब्जेक्ट का वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे क्वेश्चंस तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आगे कोई भी एग्जाम दो, हर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ओहो शानदार क्वेश्चन है। देखो ये जिस मेटल की बात हो रहा है ये ऑक्सीजन से बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने पे ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, तुरंत आग पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आते हैं तो। और जो केरोसिन ऑयल होता है आपको पता होगा कि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। इन मेटल्स को कौन से मेटल्स हैं, पोटेशियम सोडियम एल्युमिनियम कैल्शियम सिलिकॉन मरकरी या गोल्ड एंड सिल्वर। देखो ये एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, ऑलमोस्ट मतलब ये समझ लो कि दो में से जो है हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के कंटेक्ट पे आने पे बहुत ही हाईली रिएक्टिव हैं, ऑक्सीजन के कंटेक्ट पे आने पे ही तुरंत रिएक्शन चालू हो जाता है, और सोडियम जैसे मेटल में तो तुरंत आग लग जाती है, ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। ओहो शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यांत्रिक तरंग है। मैकेनिकल वेव की बात हो रही है, साउंड वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स या एक्सरेज, ध्यान से करिएगा बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जो साउंड वेव्स होते हैं बाबू ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होते हैं। और मैकेनिकल वेव्स के बारे में एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, वो क्या चीज आपको बैठाना है फटाफट बताइए। साउंड वेव्स के बारे में एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते।
ठीक है। साउंड साउंड जो है कांट ट्रेवल इन वैक्यूम कहा जाता है, ठीक है। साउंड कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना। ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है यूजली कॉन्टेंस केमिकल इनर्ट गैसेज होते हैं। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, ठीक है, बिजली के बल्बों में आमतौर पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैस भरी होती है। कौन कौन से गैस होती है? दो गैसेज होती हैं, दो इनर्ट गैसेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। फटाफट बताइए। देखो यहाँ पे दो तरह की जो है आपकी गैसेज होती हैं। इसमें जो सबसे पहला अगर आप आंसर दोगे तो वो होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है वो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। दूसरा कौन सा गैस होता है वो आप कमेंट करके बताओगे। और दो तरह के इनर्ट गैसेज यहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्मेल डेट वी गेट वेन एलपीजी सिलेंडर लीक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओहो हो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर आपने देखा होगा, जब कभी एलपीजी गैस जब लीक होती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत तेजी से गंध आता है। तो जो गंध आता है वो उसी लिए वो चीज ऐड किया गया रहता है, ठीक है। जो स्मेल आती है एलपीजी से, जो गंध आती है, उसी चीज के लिए ऐड किया गया रहता है कि जब कभी भी लीकेज वगैरह होगा तो तुरंत पता चल जाएगा गैस लीक हो रही है, ठीक है। वो क्या चीज होता है उस स्मेल के लिए जो ऐड किया जाता है ताकि लीकेज पे पता चल सके किसका प्रेजेंस होता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड या कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट बताइए। सो करेक्ट आंसर होगा सल्फर कंपाउंड होता है। बाबू सल्फर का कंपाउंड होता है, याद करो। पटाखे वगैरह छोड़ते हो? बिल्कुल छोड़ते होगे। जब पटाखे वगैरह छोड़ते होगे तो एक अजीब सी गंध आती है। आती है कि नहीं आती है? दैट्स जो वो गंध आती है सल्फर कंपाउंड की वजह से ही आती है। पटाखों में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, वो जो गंध आती है पटाखों के अंदर, ऐसे ही वो किस वजह से आती है? सल्फर कंपाउंड्स की वजह से। ऐसे ही एलपीजी गैस में भी, जो एलपीजी गैस होता है, ठीक है, याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है आपका, उसमें स्मेल जो है इसी सल्फर कंपाउंड की वजह से आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉइज लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। फिर देखो कई तरह की चीजें बता चुका हूं मैं। रात के समय मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो नॉइज लेवल, ठीक है, रात के समय जो ऑडिबल नॉइज लेवल जो है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी किया गया है, वो 45 डीबी है। मतलब शहर में मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज होती हैं 45 डीबी तक का जो है शोरगुल हो सकता है रात में, कुछ नहीं कहा जाएगा। जहां आप इससे ऊपर पहुंचे बाबू, अगला आपका पड़ोसी तुरंत कंप्लेन फाइल कर सकता है, भाई साहब ये रात में नॉइज कर रहे थे, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हो रही है 60 डीबी तक का, ठीक है, 60 डीबी। अब अगर 80 डीबी तक का अगर नॉइज पॉल्यूशन 80 डीबी से ऊपर हुआ, मतलब नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 80 डीबी से ऊपर नॉइज पॉल्यूशन हो गया, और 120 डीबी पे जहां पहुंच गया, ठीक है, डेसिबल जिसको बोलते हैं, डीबी ये मत समझ लेना सर बता क्या रहे हो, थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है। तो 120 डीबी जहां पहुंचा, मतलब 1000 डीएस नॉइज पॉल्यूशन, मतलब सहन से बाहर वाला जो नॉइज पॉल्यूशन होता है जिसमें कान के पर्दे उर्दे फट जाए, उस तरह का 1000 डीएस नॉइज पॉल्यूशन 120 डीबी, ठीक है। तो याद रखना 60 डीबी नॉर्मल कन्वर्सेशन, 45 डीबी ये मेट्रोपॉलिटन में अलाउड होता है रात के समय, इतनी तक का शोरगुल आप कर सकते हो 45 डीबी तक का, मतलब जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है उससे भी कम शोरगुल आपको करना है। और 80 डीबी ये नॉइज पॉल्यूशन का होता है आपका, ठीक है। और दूसरा जो अगर 1000 डीएस नॉइज पॉल्यूशन अगर पूछ रहा है तो 120 डीबी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन नेल्स आर मेड ऑफ। ओहो हो, शानदार क्वेश्चन है। देखो पिगमेंट, इलेस्टीन, एल्बुमिन, कैरेटिन, ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। जो हमारे ह्यूमन नेल्स होते हैं, जो हमारे नाखून होते हैं, वो कैरेटिन के बनते हैं, ठीक है। और अगर आपने घोड़े का खुर वगैरह भी देखा होगा, वो सब के सब कैरेटिन से ही बनते हैं, ठीक है। घोड़े का खुर वगैरह जो नीचे का जिसको छिलता है, जो आपने देखा होगा घुड़सवार जो घोड़ा वगैरह रखते हैं लोग, वो हमेशा साफ करते रहते हैं, उसमें नाल लगाई जाती है, तो वो सब जो खुर वगैरह होता है वो सब के सब कैरेटीन से ही बने होते हैं, सब के सब एक तरह का ये प्रोटीन होता है। कैरेटीन क्या है? एक फाइबरस प्रोटीन है जो क्या करता है, दैट मेक्स आवर, बताइए फटाफट बताइए क्या करता है, जो हमारे नेल्स, एक तरह से नेल्स हो गए, घोड़ों के खुर हो गए, इन सब चीज में काम आता है, ठीक है। ये एक तरह से प्रोटीन होता है, फाइबरस प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, When the car takes a bend, the force that pushes us to the outside of the curve is, देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक सेंट्रीपिटल होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। देखो जब अगर कोई कार यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक मोड़ है, ठीक है, एक तरह से मैं ये सर्कल ले लेता हूँ,
अगर यहाँ पे कोई कार ऐसे इस मोड़ पे मुड़ती है तो एक बात बताओ क्या होता है, हम लोग रेखा के बाहर की तरफ, कर्व के बाहर की तरफ, जो कर्व बनता है उससे बाहर की तरफ हम लोग क्या होता है बताइए, पुश हो जाते हैं, ये धक्का लगता है हमें, धकेलने वाला बल लगता है। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है और जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, ये आपको बताना है। देखो दो तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, दोनों फोर्स याद रखना, बताइए फटाफट बताइए। देखो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, ठीक है ध्यान से सुन लो, जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है ठीक है, ये आपका सर्कुलर मोशन के लिए होता है, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक सर्कल के अंदर अगर आप खड़ा होकर के रस्सी घुमा रहे हो ऐसे, ये सर्कुलर मोशन के लिए होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसको आउटवर्ड फोर्स बोलते हैं, इसको इनवर्ड फोर्स बोलेंगे और ये आउटवर्ड फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो कार वगैरह में जैसे जब मोड़ आता है, जब मोड़ लगता है तो हम लोग को जो बाहर की तरफ जो धक्का लगता है तो जिस फोर्स की वजह से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। इसको आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ लगा हुआ फोर्स बोलेंगे, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है याद रखना, क्या बोलेंगे आउटवर्ड फोर्स बोलेंगे, ठीक है याद रखिएगा। चलिए जी समझ गए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनवर्ड जो फोर्स होता है अंदर की तरफ सर्कुलर मोशन में जो लगता है वो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, और जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एसिड रेन इज कास्ट बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान से करना। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कभी एसिड रेन नहीं हुआ है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो ये सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और क्या होता है नाइट्रोजन होता है, क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, ठीक है याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड रेन के जो है काज बनते हैं, ठीक है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीग्रो या रीजनरेट। शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अगर कट पिट जाए, ठीक है किसी कारणवश जो है, तो वो रीग्रो हो सकता है, दोबारा से पुनर्जीवित हो सकता है या पुनर्विकसित हो सकता है। स्प्लीन, ब्रेन, लीवर या पैनक्रियाज, क्या होता है पैनक्रियाज तो नहीं होगा, ब्रेन भी नहीं होगा, स्प्लीन भी नहीं होगा, क्या होता है लीवर होता है, ठीक याद रहेगा क्या होता है लीवर होता है। लीवर में अगर कोई खराबी आ गई तो वो फिर से अपने आप को पुनः ठीक हो सकता है, वो रीजनरेट हो सकता है, ठीक है याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलिस्कोस्कोप या सन मीटर, बताइए। स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सूर्य मीटर, कौन सा होता है। तो सूर्य को व्यू करने के लिए डायरेक्ट तो आप देख नहीं सकते क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है, ठीक है तो डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो सूर्य को देखने के लिए, ठीक है जूम मोड पे देखने के लिए सूर्य को, फटाफट बताइए किसका इस्तेमाल होता है, हेलियोस्कोप का, ठीक है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्विक सिल्वर। ओहो शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। देखिए इसमें सिल्वर नाम तो है लेकिन ये सिल्वर होता नहीं है, बस इसका नाम है क्विक सिल्वर। टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम या रेडियम, किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं मेरे भाई साहब, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड्स कॉल्ड। ओहो शानदार क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट टू सॉलिड। कह रहा है देखो आपने पढ़ा होगा कई सारे फॉर्म सॉलिड लिक्विड गैस के जो है प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, तो ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है अलग अलग जो है, देखो ये एक प्रोसेस है जहां सॉलिड चीजें, ठीक है वेयर जहां गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है और सॉलिड गैस बन जाता है, याद रखो जहां सॉलिड गैस बनता है, ठीक है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं बताइए सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं जहां अगर सॉलिड चीज, जैसे एक एग्जांपल ले लो कपूर, अगर आप कपूर जलाओगे तो लिक्विड थोड़ी बनेगा, डायरेक्ट कपूर सॉलिड होता है, जलता है सीधे क्या बन जाता है भाई साहब, गैस बन जाता है। तो एक आपका इसका करेक्ट जो आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है सॉलिड टू गैस बनने का, वो सब्लिमेशन हो गया। अगर इसका उल्टा मैं पूछ लूं आपसे, ठीक है इसका उल्टा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सॉलिड से सॉरी गैस से सॉलिड बनने का कोई आपको वो बताओ, बताइए
बताइए। तो अगर सही आंसर आप दोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपोजिशन, जमावट, ठीक है, एक तरह से निक्षेप इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, डिपोजिशन हो गया। तो डिपोजिशन का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो एक एग्जांपल आप ड्राई आइस कह सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ड्राई आइस, सूखा बर्फ जो होता है वो एक तरह से इसी चीज का तो आपका एग्जाम्पल है डिपोजिशन का ही, डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। एक बात बताओ, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, मतलब खगोलीय जो इकाई है, ठीक है, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किस लेंथ में मेजर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, एयू इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेस कॉल्ड। ओहो, शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि धूल, हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य आयनित गैसों के अंतांतरिक बादल को क्या कहते हैं। कई सारे देखो ग्रहों पे इस तरह के जो है इंटरस्टेलर क्लाउड पाए जाते हैं, जहां पे धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और कई सब तरह के आयोनाइज्ड गैसेज होती हैं, बताइए, तो उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी, सुपरनोवा, नेबुला या ब्लैक होल, क्या बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड नेबुला, क्या बोलते हैं उसको बाबू, नेबुला बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेज इज कॉल्ड नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू, ओहो शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है देखो वही चीज याद करो धीरे धीरे से, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, कैपिलरी एक्शन की, कैपिलरी एक्शन सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है मेरे भाई, बताइए। अरे याद करो जो मैंने आपको वो लालटेन वाला लैंप वाला जो अभी एग्जाम्पल मैंने अभी एक दो तीन क्लास पहले दिया था, लैंप वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ना, कैपिलरी रिएक्शन की, बत्ती में तेल ऊपर कैसे सोखता है, ऊपर उठता है, बत्ती जलती है लैंप के अंदर, ठीक वही कैपिलरी रिएक्शन यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर भी जो है इंक कैसे अब्जॉर्ब करता है, कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, कैसका क्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास पसंद आया तो करो, पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर कर दिया करो यार, एक लाइक अगर आप कर देते हो तो कुछ नहीं जाता है आपका। चलो, एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे की, एक नाइबरिंग गैलेक्सी, पड़ोसी गैलेक्सी आकाशगंगा का, या प्लैनेट है कोई, या किसी ब्लैक होल का नाम है, या एक तरह का धूमकेतु है, क्या है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है मेरे भाई साहब, मिल्की वे के नजदीकी, हमारा जो अपना जो खुद का आकाशगंगा है, ठीक है, जो गैलेक्सी हमारी खुद की मिल्की वे, उसी का एक जो है नाइबरिंग यानी पड़ोसी गैलेक्सी है, डेट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ओहो शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अच्छा एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट अगर हम फारेनहाइट में पूछ लेते हैं, ठीक है, डिग्री फारेनहाइट में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बाबू आपका, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, और अगर हम इसको फारेनहाइट में पूछ लें, अगर कन्वर्ट करोगे तो डेट विल बी हाउ मच, 212 डिग्री फारेनहाइट होगा, 212 डिग्री फारेनहाइट, केल्विन में भी याद रखना, ठीक है, किसी में भी पूछ सकता है। अगर ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछता है 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखो फारेनहाइट में समथिंग समथिंग 98.6 डिग्री फारेनहाइट के नियर अबाउट में होता है, ठीक है, याद रखना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर जो है वाटर बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, डेट विल बी 212 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट द कंडीशन इज कॉल्ड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हियर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्हेन ए पर्सन, जब कोई आदमी सिर्फ नियर बाई ऑब्जेक्ट ही देख सकता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मतलब जिसकी दूरदृष्टि खराब हो, जिसकी सिर्फ निकट दृष्टि सही हो, ठीक है, जब कोई व्यक्ति केवल पास की वस्तुओं को ही देख सकता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो डेट विल बी हाइपरमेटोपिया, एस्टिगमेटिज्म, मायोपिया या रेटिनोपैथी, क्या बोलते हैं उसको, डेट इज कॉल्ड मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया, याद रखिएगा, ठीक है, दिस विल बी करेक्ट आंसर। जब किसी व्यक्ति को सिर्फ पास की चीजें दिखाई दे, उसकी दूरदृष्टि कमजोर हो जाए, इसका मतलब उसको क्या हो गया है, उसकी आंखों में मायोपिया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कैन ट्रेवल 10 किलोमीटर इन ईयर, कह रहा है कि एक साल में जो प्रकाश है वो कितनी दूरी तय कर सकता है, बताइए, 5 बिलियन, 10 बिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, कितना किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। द करेक्ट आंसर विल बी 10 ट्रिलियन दूरी तय करता है प्रकाश एक साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सब ये क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन छोड़ना, मैं बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। वट आर स्टार्स प्राइमरली मेड ऑफ, कह रहा कि तारे खासकर किसके बने होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम, ऑक्सीजन हीलियम। एक बात बताओ, तारे चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एक प्रकार की हीट होती है, एनर्जी होती है, और ये हीट और एनर्जी कहाँ से आती है, हाइड्रोजन और हीलियम का जब आपस में क्या होता है बताइए, जब आपस में हाइड्रोजन और हीलियम जब दोनों के परमाणु जब मिलते हैं, एटम मिलते हैं, तभी तो ये हीट जनरेट होता है भाई साहब। और सन को ही देख लो, सूर्य एक तरह का तारा ही है, सूर्य में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो प्राइमरली जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो खासकर हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटर कन्वर्ट, ओहो शानदार क्वेश्चन है। देखो जनरेटर और डायनमो दोनों का काम याद रखना है आपको, ठीक है, दोनों का काम याद रखना है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, या थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जनरेटर का काम, मतलब जनरेटर के अंदर डायनमो ही होता है ना। जनरेटर सिर्फ ऊपर से देखो पूरी मशीन होती है, लेकिन अंदर जो उसका मेन काम जो होता है, ठीक है, जो असली काम करता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, पूरा जनरेटर तो सिर्फ उस डायनमो का पंखी चलाने के लिए, ठीक है, के लिए ही वो काम होता है। तो उसकी पंखी चलेगी तभी बिजली उत्पन्न होगी, ठीक है। तो क्या करता है डायनमो, जो जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर जो डायनमो होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब पंखी चल रही है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और फिर क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, याद रखना। अब यहां पे अगर इसके विपरीत पूछ ले, अगर आपसे मोटर पूछ ले, ठीक है, कि मोटर किस क्या कन्वर्ट करता है, तो मोटर ठीक इसके विपरीत आपको बताना है। मोटर इलेक्ट्रिसिटी लेता है और मैकेनिकल वर्क करता है। जैसे अगर आपने पानी वगैरह के लिए अगर अपने घर पे मोटर लगा रखा है, टंकी वगैरह भरने के लिए घर की, तो आपने देखा होगा कि बिजली लेता है और मैकेनिकल काम करता है, ठीक है, पंखी नाचती है, फिर पानी खींचता है, वो प्रेशर बनाता है, फिर ऊपर पानी जाता है, ये सारे मैकेनिकल वर्क है ना। तो याद रखना दोनों के, देखो अगर डायनमो पूछेगा तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और अगर मोटर पूछ लेगा तो उसके अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। ओहो शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो उसके वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। हमेशा याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होगा। जहां अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टू ट्रैक एनिमी सबमरीन्स इन वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज, तरह की द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया था, रेडार, सोनार, इको लोकेशन या फिर लीडार, किसका इस्तेमाल हुआ था, सोनार का इस्तेमाल हुआ था, किसका, सोनार। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखोगे, साउंड नेविगेशन एंड क्या होगा बताइए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म होगा। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था इनमीज के सबमरीन को ट्रैक करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज केमिकल नेम गिवन टू चाक, क्या है चाक का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फाइड, बताइए चाक को किस नाम से जानते हैं, क्या है बाबू ये, अरे कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है कि क्या है, अरे कैल्शियम कार्बोनेट ही है मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, चाक को कैल्शियम कार्बोनेट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, ओहो प्रतिशीतन में, रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर के अंदर किस गैस का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अमीनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और बाबू ये जो सीएफसी गैस है बहुत ही खतरनाक है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज में आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें सीएफसी मतलब वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेज का, ठीक है, और यही रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
यही गैस रेफ्रिजरेशन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट आवर मून, कह रहा है कि हमारी चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11, कौन सा था मेरे भाई? सही आंसर क्या होगा? लूना 10। क्या नाम था? लूना 10। क्या नाम था? लूना 10। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सबसे आम गुर्दे की पथरी बनाने वाला यौगिक है, मतलब गुर्दे की जो पथरी होती है खास की वो किसकी बनी होती है, किससे, क्या मतलब कौन सा मेटेरियल होता है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम साइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, बहुत अधिक मात्रा में शरीर में पैदा होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, और यही जो है पथरी का कारण बनता है, पथरी मतलब खास के यही होता ही है, समझ लो ये मेजर कंपोनेंट है उसका, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, याद रहेगा। चलो जी, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगर यही नहीं पता है तो पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, सेल्मोनिला, राइजोबियम, इकोली या पिस्यूडोमोनस, कौन सा है, फटाफट बताइए। अगर आपने बीएससी किया होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ाया गया आपको, मतलब ये शुरू से ही पढ़ाया, नौवीं से ही पढ़ाया जा रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में खास के इन बैक्टीरियाज के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया है, फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम, ठीक है, क्या होगा, राइजोबियम, ठीक है, याद रहेगा, राइजोबियम इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन की जो है कमी को पूरा करने वाली बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following colored light has the lowest frequency? ध्यान से करेगा, गलत नहीं होना चाहिए। कि निम्नलिखित में किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, lowest frequency? बताइए, frequency अधिक होगी तो wavelength क्या होगा, हाई होगा, सबसे lowest frequency होगी तो सबसे highest wavelength भी होगा, ठीक है। So correct answer क्या होगा, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, साउंड वेव्स इनमें से कौन सा गलत है, साउंड वेव्स प्रेशर वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल वेव्स हैं, देखो करेक्ट आंसर आपको बताना है, गलत मत करना बाबू। देखो अभी तो हमने ऊपर पढ़ाई था, क्वेश्चन नंबर टू हमारा था कि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो ये तो सही है, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं और इनको प्रेशर वेव्स भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है। डैश एलो कंटेंस टीन, डैश मिश्र धातु में टीन होता है, किसमें होता है भाई, सोल्डर, एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि किस मिश्र धातु में, इनमें से किस मिश्र धातु में टिन भी पाया जाता है, टिन का भी इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा, सबको कमेंट करके बताना है, जितने भी लोग क्लास देख रहे हो, अंत क्वेश्चन तक पहुंचे हो। और बाबू अगर अभी तक महापीडीएफ नहीं लिए हो तो 9795111812 पे व्हाट्सएप करके महापीडीएफ 3.0 ले लो, सिलेक्शन चाहिए 50+ मार्क्स अगर सेक्शन 1 में लेकर के आने हैं तो, ठीक है। और फिर क्लास को एक बार फिर से कह रहा हूँ कि लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तब तक फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, चलिए बाय।